चंबा जिला ऐसा जिला है जहां ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होती है। हर वर्ष गांव वाले की हालत ऐसी ही बद से बदतर बनी रहती है। हर वर्ष लोगों को परेशान होना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी के लिए कौन जिम्मेवार है? साफ है कि विद्युत विभाग, क्योंकि जिले में पिछले 3 महीने से 136 ट्रांसफार्मर खराब है और विभाग सुस्त रवैया अपनाए है। कैसे, हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जिला चंबा, गांव सैकड़ों, क्या हुआ? गांव परेशान, वजह 3 महीने से बिजली गुल, विभाग का रवैया सुस्त, बोर्ड की परीक्षाएं जारी, बच्चे नहीं कर पा रहे परीक्षा की तैयारी, जनता ठहरा रही है सरकार को दोषी, सरकार दे जवाब, क्यों है विभाग नाकाम? डलहौजी के ऊपरी क्षेत्रों सहित चंबा जिले के सैकड़ों गांव के हजारों लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। सैकड़ों गांव पिछले 3 महीने से अंधेरे में रह रहे हैं। जिले में 136 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं और लोग काली रातों में अंधेरे में रह रहे हैं। कई गांव अंधेरे में डूबे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। ये तस्वीरें चंबा जिले के कई गांवों की और विद्युत विभाग द्वारा लोगों को दी गई बिजली की सप्लाई की तारे की है। ये वही तारे हैं जिसके माध्यम से लोगों तक बिजली पहुंचती है। लेकिन ये क्या, बिजली की तारे तो जगह जगह से टूटी हुई है। आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे। सही पहचाना आपने, यह बिजली की तारे आज से नहीं टूटी, बल्कि इन तारों को टूटे हुए 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। 3 महीने से लोग सर्द रातें अंधेरे में ही काट रहे हैं, क्योंकि विभाग ने पिछले 3 महीने से यह बिजली की तारें ठीक नहीं करवाई। हमारी समस्या ये है कि अभी जो बर्फबारी पड़ी थी यहाँ तीसा और बंजराड़ू में, यहाँ कम से कम 400-500 गांव जो है हमारे बिना बिजली के हैं और न तारे टूटने जो है सब टूट चुकी है, ना बिजली है ना कोई कुछ है। और हमारे बच्चे अभी पेपर चले हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है और पढ़ाई करने की बहुत मजबूर है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी लाइट जो है जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, डिपार्टमेंट से हमारा यही अनुरोध है। बिजली ना होने की वजह से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। जगह जगह ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, बिजली की तारें टूटी हुई है, जिसकी वजह से जनता में त्राही त्राही मची हुई है और ग्रामीण खुद को काले पानी की जैसी सजा मान रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सरकार और विभाग के नुमाइंदे लोगों की बेबसी देख रहे हैं। यह बात अब नहीं कह रहे, बल्कि यह बात जनता खुद कह रही है और जनता के अंदर विभाग के प्रति यह खासा रोष भी नजर आ रहा है। हमारे यहाँ भारी बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ पड़ने से लाइट जो चली गई है वो तारे टूट गई है। तारे टूटने से लाइट जाने से हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और पेपर बोर्ड के लगे हुए हैं, वो पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे बहुत बहुत परेशान हैं। हमारे डिपार्टमेंट से यही प्रार्थना है कि ऐसा कि लाइट बनाने की जल्दी जल्दी कृपया करें। चंबा क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मार्च में भी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर किसी को पड़ा तो वो है बच्चे, जिनके बोर्ड की परीक्षाएं जारी है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। राज्य में बच्चों की परीक्षाएं जारी है और छात्र छात्राएं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर नहीं पा रहे, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।